तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 के अंदर जो 7 वीक है वो कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल 97 मैचेस खेले जा चुके हैं। इस वीक के अंदर यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है रेडर्स ने, तो इन डिफेंडर ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार डिफेंस करके दिखाया है। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले इन सभी प्लेयर को कंबाइन करके एक बहुत ही शानदार स्टार्टिंग 7 देखते हैं। क्या इस स्टार्टिंग 7 के अंदर आपके फेवरेट खिलाड़ी को जगह मिली है, तो ये होने वाले बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप इस वीडियो को देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोर ने वीडियो की। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी यहाँ पर पर्सनल स्टार्टिंग 7 है, की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके मैंने स्टार्टिंग 7 को बनाया है। आपकी स्टार्टिंग 7 इससे अलग हो सकती है, जिसको आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बात यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग 7 की, तो टीम ऑफ द वीक को रेडिंग में लीड करने वाले बेंगलुरु बुल्स के स्टार रेडर फरतुड्डा ने यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स की टीम के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों अब तक खेले अपने 17 मैचों में बेंगलुरु की टीम के लिए 196 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। उस टीम के यहाँ पर पहले रेडर होने वाले फरतुड्डा। अब बात करते हैं यहाँ पर कवर्स की, तो हमें राइट कोर पर दिखाई देने वाले जयपुर पिंक पैंथर्स के कप्तान सुनील कुमार सुनील ने यहाँ पर जयपुर की टीम के लिए राइट कोर पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। उन्हें अपने खेले गए 16 मैचों में टीम के लिए 46 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। बात करें यहाँ पर उनके जोड़ीदार लेफ्ट कोर की, तो वहाँ पर होने वाले हैं जयदीप दहिया हरियाणा स्टीलर्स के यंग कोर खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने अब तक खेले गए अपने 16 मैचों में टीम के लिए 45 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। तो बात करें यहाँ पर टीम के सेकंड रेडर की, तो वो होने वाले बंगाल के कप्तान मनिंदर सिंह। माइटी मनिंदर ने बंगाल की टीम के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। इस वीक में उन्होंने बहुत ही शानदार रेडिंग की। उन्होंने तक अपने खेले गए पीकेएल सीजन 9 के 16 मैचों में बंगाल की टीम के लिए 185 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। अब बात करते हैं इस टीम के थर्ड रेडर की, तो वो होने वाले जयपुर पिंक पैंथर्स के अर्जुन देसवाल। अर्जुन यहाँ पर दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। अब तक वो पीकेएल सीजन 9 के टॉप रेडर है। उन्होंने अपने खेले गए 16 मैचों में जयपुर की टीम के लिए 199 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। अब बात करते हैं कॉर्नर्स की, तो लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई देने वाले पटना पायरेट्स के एमडी रीजा साधलू। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों पटना की टीम के लिए इस वीक में एक मैच में 16 टैकल पॉइंट भी हासिल किए थे। अब तक उन्होंने अपने खेले गए 14 मैचों में पटना की टीम के लिए 57 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों उनके साथ ही राइट कॉर्नर खिलाड़ी की, तो वहां पर होने वाले तमिल सिलावस के कप्तान सागर राठी। सागर ने यहाँ पर दोस्तों तमिल की टीम के लिए सीरीज में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने अपने पिछले 2 मैचों में तमिल की टीम के लिए बहुत अच्छे हाई फाइव भी लगाए हैं। अब तक उन्होंने पीकेएल सीजन 9 के अपने खेले गए 16 मैचों में 51 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। तो ये थे यहाँ पर दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 की मेरे हिसाब से वीक नंबर 7 की टीम ऑफ द वीक। आप यहाँ पर हमें कमेंट करता है इस टीम के अंदर आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।